लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का टिकट काट दिया गया। पार्टी ने खीरू महतो को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया है। महतो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो आपको बता दें कि सस्पेंस पे से पर्दा उठा दिया गया, जेडीयू ने खीरू महतो को अपना उम्मीदवार बनाया है। आरसीपी सिंह को बड़ा झटका, खीरू महतो बने राज्यसभा उम्मीदवार। जेडीयू ने फैसले से सबको चौंकाया। आखिरकार वही हुआ जिसकी सियासी गलियारों में चर्चा थी। आरसीपी सिंह का पत्ता साफ हो गया। जेडीयू ने आरसीपी सिंह की जगह खीरू महतो को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू के फैसले से आरसीपी सिंह की केंद्रीय मंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर उन्हें संसद की सदस्यता हासिल करनी होगी। अब इस बार पार्टी ने उनको हम लोग राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए थे, इसलिए कि हम लोग झारखंड में भी पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं। राज्यसभा उम्मीदवार की घोषणा से पहले जेडीयू की अहम बैठक हुई, लेकिन बैठक में क्या फैसला लिया गया पार्टी नेताओं ने इसका खुलासा नहीं किया। राज्यसभा की उम्मीदवारी पर जेडीयू ने आखिर तक सस्पेंस बनाए रखा। पार्टी नेताओं की तरफ से एक ही जवाब आता था कि नीतीश कुमार आरसीपी सिंह पर अंतिम फैसला लेंगे। तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार ने ही आरसीपी सिंह का पत्ता काटकर खीरू महतो को उम्मीदवार बनाया है? सुनिए आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी पर ललन सिंह ने क्या कहा था। मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत हैं, वो जब निर्णय लेंगे आपको बता दिया जाएगा। ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच लंबे समय से सियासी लड़ाई चल रही है। केंद्रीय मंत्री बनने की रेस में ललन सिंह भी थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री बने आरसीपी सिंह। दोनों नेताओं के बीच पोस्टर वार भी देखने को मिला था। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से गठबंधन करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ और जेडीयू अकेले दम पर लड़ी। उस दौरान भी ललन सिंह ने उम्मीदवारों की घोषणा में देरी और बीजेपी से गठबंधन नहीं होने पर आरसीपी सिंह पर निशाना साधा था। लेकिन दोनों के बीच सियासी दुश्मनी का ये अंजाम होगा, ये राजनीतिक पंडितों ने भी नहीं सोचा था। उधर बीजेपी ने भी अपने पत्ते आखिरकार खोल दिए। बीजेपी ने सतीश चंद्र दुबे और शंभु शरण पटेल को उम्मीदवार बनाया है। उधर आरजेडी ने निशा भारती और फैयाज अहमद को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव है और नामांकन की आखिरी तारीख 31 मई है। 5 सीटों के लिए जेडीयू ने 1, बीजेपी ने 2 और आरजेडी ने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आंकड़ों के लिहाज से 5 उम्मीदवारों की जीत करीब करीब तय मानी जा रही है। भले ही उम्मीदवारों को लेकर संशय के बादल छट गए हों, लेकिन जेडीयू के अंदर ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच चल रही सियासी लड़ाई के अभी और एपिसोड आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं आरसीपी सिंह के समर्थकों में मायूसी देखी जा रही है। आरसीपी सिंह की आवास पर किस तरह का माहौल था ये बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र। भाजपा की सूची जारी होते हुए जदयू की भी सूची जारी हो गई है। अब 3 नाम जो बचे थे राज्यसभा के लिए वो तय हो गए, लेकिन उसमें आरसीपी सिंह का नाम नहीं है। आरसीपी सिंह का आवास है और यहीं पर एक कहें कि बाहर जितनी गाड़ियां लगी हैं लेकिन सन्नाटा उतना ही है। अंदर जितने लोग हैं उन सब लोगों को अंदर बुला लिया गया है, जो लॉन है आवास का वहाँ बुला लिया गया है और गेट को बंद कर दिया गया। अभी तक गेट खुला हुआ था और साफ तौर के मीडिया कर्मियों के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कहा जा रहा है कि मीडिया कर्मी नहीं जाएंगे, लेकिन उनके समर्थक जो है वो दूसरा गेट है उसके अंदर सब खड़े हैं। आरसीपी सिंह बाहर नहीं आए तो और सब आपस में चर्चा कर रहे हैं कि अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। अब देखिए कुछ लोग और जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब तो टिकट कट गया, क्या कहेंगे? टिकट ना कटा है, राजनीति खत्म थोड़े हुआ है। राजनीति तो अब शुरू हुई है क्या?
राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो उनका निर्णय होगा सब पूरा कार्यकर्ता पूरा बिहार के साथ है। अच्छा, पूरा कार्यकर्ता है? पूरा कार्यकर्ता इनके साथ। आप कहाँ से हैं? और उन्हीं को लेकर पार्टी में तरस का है कि लंबा सस्पेंस चला, लेकिन अब वो सस्पेंस खत्म हो चुका है और साफ है कि खीरो महतो जो है झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष जदयू के, वो जा रहे हैं और उनके नाम पर मुहर जो है पार्टी ने लगा दी है। और अब जो है आरसीपी सिंह ये कहें कि पूर्व या निवर्तमान सदस्य जो हो जाएंगे राज्यसभा के, और ऐसे में उनको केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ना पड़ सकता है। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। राज्यसभा के लिए झारखंड से बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान हो गया है। बीजेपी ने आदि